नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। हिंदू राष्ट्र पर बोले बिहार सीएम नीतीश कुमार, देश में हर धर्म और संप्रदाय के रहते हैं लोग। महाराष्ट्र विधानसभा के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी बड़े बेंच मामले भेजने की जरूरत नहीं। बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने अपने पद से दिया इस्तीफा। ट्विटर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का ब्लू टिक लिया वापस। महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष और सदस्यों की अयोग्यता के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा अपना अहम फैसला। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में दर्ज किया गया 86.10% मतदान। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लेकर भारत पहुंचेगा ग्लोब मास्टर विमान। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज से महाराष्ट्र के 3 दिवसीय दौरे पर। ताजमहल में आज से 3 दिनों तक रहेगी सभी लोगों के लिए फ्री एंट्री। और बीजेपी और मुसलमानों को करीब लाएंगे सूफी संत, 2024 चुनाव से पहले पार्टी ने बनाई अपनी रणनीति।